सेकेंड इसका जो केस बनता है, फ्रॉम पोजिशन ए टू द व्हीकल ए स्टार्ट एक्सेलरेटिंग शिफ्ट टू द एडजॉइनिंग लेन। अगर आपके जो ए टू की जो पोजिशन के ऊपर जब वो पहुंचता है ए व्हीकल, तो उस कंडीशन में ए का जो स्टार्टिंग जो पार्ट होता है वो देट मीन्स अपनी शिफ्ट चेंज करता है, देट मीन्स शिफ्ट वो वन लेन से अदर लेन के अंदर कन्वर्ट करेगा। ओवरटेक द व्हीकल बी, उस कंडीशन में जो व्हीकल होता है बी उसको ओवरटेक करेगा, एंड शिफ्ट बैक टू इट ओरिजिनल लेन, उसके बाद में वापस अपनी जो ओरिजिनल लेन थी वहां पे शिफ्ट करेगा। एहेड ऑफ द बी इन द पोजिशन, उस कंडीशन में जो बी है वो आपके आगे खड़ा रहेगा। ए थ्री इन टाइम टी, जो ए थ्री का जो टाइम हो जाएगा वो टी सेकेंड हो जाएगा। द स्टैंड डिस्टेंस बिटवीन द पोजिशन ए टू एंड ए थ्री, उस कंडीशन में ए टू से ए थ्री की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो आपको मेंशन करना है। इज टेकन एज डी टू, उन दोनों की डिस्टेंस कितनी हो गई, डी टू काउंट हो जाएगी। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पोजिशन ए टू एंड बी वन मे बी टेकन एज द मिनिमम स्पेसिंग, और जो मिनिमम जो डिस्टेंस होती है इन दोनों के बीच की पोजिशन के अकॉर्डिंग ए टू से एंड बी वन की, तो उन दोनों की मिनिमम स्पेसिंग हमारे पास में काउंट हो जाएगी एस। ऑफ द टू व्हीकल्स वाइल मूविंग विद द स्पीड वी बी, और उन दोनों की जो स्पीड हो जाएगी वो आपकी वी बी मीटर पर सेकेंड में हो जाएगी। द मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन व्हीकल डिपेंड ऑन देयर स्पीड, उनकी जो मिनिमम स्पेसिंग किसके ऊपर डिपेंड करेगी, उनकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करतेगी। एन इम्पेरिकल फार्मूला, इसके अकॉर्डिंग इम्पेरिकल फार्मूला हम फाइंड कर सकते हैं। तो एस इक्वल टू 0.7 वी बी प्लस 6 मीटर में, ये उसका एक इम्पेरिकल फार्मूला होता है कि स्पेसिंग किस टाइप से आप नॉर्मली फाइंड कर सकते हैं। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन बी टू एंड ए थ्री मे बी द एज्यूम इक्वल टू एस, जो मिनिमम डिस्टेंस आप हम लोग एज्यूम कर सकते हैं बी वन और ए थ्री की, वो किसके इक्वल हो जाएगी, स्मॉल एस के, एज मेंटेन अबव। इफ द टाइम टेकन बाय व्हीकल एफ फॉर द ओवरटेकिंग ऑपरेशन फ्रॉम पोजिशन ए टू टू ए थ्री, इस कंडीशन में अगर आप लोग उसका टाइम की रिक्वायरमेंट देखते हो, तो ए जो व्हीकल्स है वो ओवरटेक कर रहा है ऑपरेशन फ्रॉम द पोजिशन ए टू को, ए जो व्हीकल है वो ए टू को किस टाइप से ओवरटेक करेगा ए टू से ए थ्री के अंदर, वो टी कैपिटल टी सेकेंड के अंदर करेगा। द डिस्टेंस कवर बाय द स्लो व्हीकल, और उसकी जो डिस्टेंस होती है कवर करेगा एक स्लो व्हीकल्स के अकॉर्डिंग, तो वो बी ट्रेवलिंग एट द स्पीड हो जाएगी उसकी। नाउ द टाइम टी डिपेंड ऑन स्पीड ऑफ ओवरटेकन व्हीकल बी, इस कंडीशन में आप लोग उसका जो टाइम टी डिपेंड करता है स्पीड के अकॉर्डिंग ओवरटेक करने के लिए व्हीकल्स बी को, एंड द एक्सेलरेशन ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल ए, और इस हिसाब से जो एक व्हीकल ए है उसका जो ओवरटेकिंग का टाइम ड्यूरेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग बात करते हैं, दिस टाइम टी मे बी द कैलकुलेट बाई इक्वेटिंग द डिस्टेंस डी टू, अगर वो कैपिटल टी टाइम कैलकुलेट करता है तो उसका जो डिस्टेंस हो जाएगा डी टू हो जाएगा, और वी बी टी प्लस 1/280 स्क्वायर वेव। यूजिंग ए जनरल फार्मूला फॉर द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए यूनिफॉर्मली, एक सामान्य फार्मूला होता है जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इनिशियल स्पीड वी बी मीटर पर सेकेंड एंड ए इज द एक्सेलरेशन इज द मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से डी टू की हम लोग वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बी प्लस 2s इक्वल टू वी बी की वैल्यू हमारे पास में थी वी बी टी प्लस 80 स्क्वायर अपॉन में 2 वी बी प्लस 6, तो डी टू की जो यहाँ से वैल्यू डिस्टेंस निकली वी बी टी प्लस 2s मीन मीटर के अंदर काउंट हो सकती है। थर्ड जो कंडीशन बनेगी, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई व्हीकल सी मूविंग एट एट डिजाइन स्पीड वी मीटर पर सेकेंड ड्यूरिंग द ओवरटेकिंग ऑपरेशन ऑफ व्हीकल ए ड्यूरिंग टाइम टी इज द डिस्टेंस डी टू बिटवीन पोजिशन सी वन एंड सी टू, जो डिस्टेंस करेगा ट्रेवल करेगा व्हीकल सी, उस कंडीशन में उसकी जो डिजाइन स्पीड स्मॉल वी है ड्यूरिंग द ओवरटेकिंग ऑपरेशन, जिस समय वो ओवरटेक करेगा उस कंडीशन में कौन से व्हीकल्स को, ए को, तो उसमें जो टाइम काउंट कर रहा है वो टी काउंट करेगा कैपिटल, एंड डिस्टेंस उसकी हो जाएगी डी टू बिटवीन सी वन से सी टू की, तो डी थ्री की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल वी इंटू कैपिटल टी। द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ओ एस डी का फॉर्मूला डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री, इन तीनों डी वन डी टू डी थ्री को काउंट कर दोगे वो ओ एस डी में काउंट हो जाएगा। डी वन की वैल्यू हमने काउंट करी वी बी इंटू टी प्लस डी टू के काउंट करी वी बी टी प्लस टू एस प्लस डी थ्री के काउंट हो गई वी इंटू टी। अब इन किलोमीटर और यूनिट के अंदर आप लोग काउंट कर सकते हो कि ये स्मॉल वी था, आप किलोमीटर पर हवर के अंदर काउंट करना, तो उस कंडीशन में ओ एस डी की वैल्यू हो जाएगी 0.28 वी बी टी प्लस 0.28 वी बी कैपिटल टी प्लस 2s प्लस 0.28 वी इंटू टी, ये हमारे पास में किलोमीटर पर आवर में आप लोग इसको ओ एस डी काउंट कर सकते हैं। इन किलोमीटर पर
इक्वेशन 4.5 उसको वर्कआउट करने के अकॉर्डिंग हम लोग इसको क्या क्या इसके अंदर मेंशन किया गया उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वी बी इक्वल टू स्पीड ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल्स हो जाएगी, टी इक्वल टू रिएक्शन टाइम हो जाएगा ड्राइवर का 2 सेकंड, कैपिटल वी हो जाएगा स्पीड ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल और डिजाइन स्पीड हो जाएगी किलोमीटर पर आवर में, टी की वैल्यू 4 × 3.6 सेकंड अपॉन में ए हो जाएगा, दैट मीन 14.4 s × a। एस देखिए स्पेसिंग ऑफ व्हीकल्स हो जाएगा, जो दो व्हीकल्स के बीच की स्पेसिंग होती है 0.2 vb + 6, ये वो आपका एक्सेलरेशन किलोमीटर पर आवर पर सेकंड के अंदर काउंट हो सकता है। इन केस ऑफ स्पीड ऑफ ओवरटेकन व्हीकल वी बी इज नॉट गिवन, अगर आपको इस केस के अंदर वी बी की वैल्यू अगर गिवन नहीं है, द सेम मे बी द एज्यूम एट द वी -16, तो उस कंडीशन में आप लोग एज्यूम कर सकते हो कैपिटल वी -16 किलोमीटर पर आवर, वेयर वी हो जाएगा आपका डिजाइन स्पीड इन किलोमीटर पर आवर और वी बी काउंट हो जाएगा आपका स्मॉल वी -4.5 m/s एंड स्मॉल वी इज द डिजाइन स्पीड इन मीटर पर सेकेंड में काउंट हो जाएगा। द एक्सेलरेशन ऑफ द ओवरटेकिंग व्हीकल इज टू बी द स्पेसिफाइड, यूजली दिस स्पीड ऑन द मेक ऑफ द व्हीकल इट कंडीशन लोड एंड द स्पीड एज द जनरल गाइड टेबल नंबर 4.6 मे बी यूज फॉर द फाइंडिंग द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ व्हीकल एट डिफरेंट स्पीड, देन में हर एक डिफरेंट स्पीड के अकॉर्डिंग की वैल्यू अंदर शो करी गई है, हम लोग उस टेबल को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द एवरेज रेट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग ओवरटेकिंग मोर एवर मे बी टेकन करस्पॉन्डिंग टू द डिजाइन स्पीड, जो एक्सेलरेशन होता है वो डिजाइन स्पीड के अकॉर्डिंग डिपेंड होता है। तो टेबल नंबर 4.6 के अंदर मैक्सिमम ओवरटेकिंग एक्सेलरेशन एट द डिफरेंट स्पीड के अकॉर्डिंग काउंट करिए, यहाँ पे दोनों स्पीड आपके पास में है कैपिटल वी और स्मॉल वी, उन कैपिटल वी और स्मॉल वी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो मैक्सिमम ओवरटेकिंग एक्सेलरेशन है वो भी आपको प्रोवाइड किया गया है, कैपिटल वी के लिए कैपिटल ए है, स्मॉल वी के लिए स्मॉल ए एक्सेलरेशन की वैल्यू काउंट करी गई है। तो जो स्पीड आपके पास क्वेश्चन में आती है उस स्पीड के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ से एक्सेलरेशन काउंट कर सकते हैं, आपको तो कुछ वैल्यू याद करना रहेगी, जैसे कि कैपिटल वी 25 किलोमीटर पर आवर है तो इसके लिए एक्सेलरेशन कैपिटल ए वाली होगी 5.00। जैसे स्मॉल वी का अगर बात करते हैं जिसकी स्पीड 6.93 है तो उसमें एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका 1.41। तो इस टाइप से आप लोग हर एक स्पीड के अकॉर्डिंग यहाँ से हम लोग उसको चेक आउट कर सकते हैं। मैक्सिमम इसमें 100 किलोमीटर पर आवर तो इसका जो एक्सेलरेशन हो जाएगा 1.29 हो जाएगा, स्मॉल वी की स्पीड अगर 27.80 है तो उसका एक्सेलरेशन 0.53 में हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो ये कुछ टेबल आपको यहाँ पे चेक करना रहेगी, यहाँ से वैल्यू आपको फाइंड आउट करना रहेगा। एट ओवरटेकिंग सेक्शन द मिनिमम ओवरटेकिंग डिस्टेंस शुड बी द D1 एंड D2 D3 प्लस व्हेन टू वे ट्रैफिक एग्जिस्ट, ये आप जो फॉर्मूला यूज करते हो D1 + D2 + D3 आपके पास में टू वे ट्रैफिक एग्जिस्ट का होगा। ऑन डिवाइडिंग हाईवे एंड ऑन रोड विथ वन वे ट्रैफिक, अगर आपके सामने कोई डिवाइडेड हाईवे है या फिर बाद में कोई रोड आती है वो वन वे ट्रैफिक में रेगुलेशन में वर्क करती है, तो ओवरटेकिंग डिस्टेंस नीड बी ओनली, तो उस कंडीशन में आपका जो ओवरटेकिंग की आवश्यकता होगी वो सिर्फ D1 + D2 की ही होगी, उसमें आप D3 काउंट नहीं करेंगे। नो व्हीकल इज एक्सेप्ट फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, उस कंडीशन में कोई भी व्हीकल आपके अपोजिट डायरेक्शन से नहीं आएगा तो वहाँ पे आप लोग जो ओवरटेकिंग डिस्टेंस काउंट करेंगे वो प्लस D1 + D2 में ही काउंट करेंगे। ऑन डिवाइडेड हाईवे विच 4 or more lanes, अगर आपका हाईवे वो जो डिवाइड हो रहा है वो 4 lanes या उससे ज़्यादा हो रहा तो IRC सजेस्ट दैट द नॉट नेसेसरी टू प्रोवाइड द यूजुअल OHD, उसके अकॉर्डिंग IRC ये प्रोवाइड करता है कि वहाँ पे आपको कभी भी OHD की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। हाउएवर द साइड डिस्टेंस ऑन एनी हाईवे शुड बी द मोर देन द SSD, और उसके अकॉर्डिंग जो साइड डिस्टेंस जो प्रोवाइड करता है हाईवे के अकॉर्डिंग वो SSD के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जा सकता है। विच इज़ द एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस, और वहाँ पे जो मिनिमम जो साइड डिस्टेंस होती है वो मेंशन करी होती है। इफेक्ट ऑफ ग्रेड इन ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, एप्लीकेबल द साइड डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर द सेफ ओवरटेकिंग, दैट मीन्स अगर आप लोग सेफ्टी के साथ में ओवरटेक करते हो तो वहाँ पे हमको साइड डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है। इन डाउन ग्रेड थ्रो इट इज द आइजियर फॉर द ओवरटेकिंग व्हीकल टू एक्सेलरेशन एंड पास द ओवरटेकन व्हीकल मे आल्सो द एक्सेलरेट एंड कवर ए ग्रेट डिस्टेंस स्मॉल बी ड्यूरिंग द ओवरटेकिंग टाइम, जिस समय हम लोग किसी व्हीकल्स को ओवरटेक कर सकते हैं करते हैं तो उस समय हमारे पास में जो डिस्टेंस हमको मेंशन करनी है ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल बी होनी चाहिए। ऑन अप ग्रेड्स द एक्सेलरेशन ऑफ द ओवरटेकिंग व्हीकल विल बी लेस एंड द हैंड्स पासिंग
will be difficult, but the overtaking vehicles like heavily loaded truck may also they decelerate at speed ascent and they comparison to some exist in the passing side distance requirement. अगर हम लोग ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग बात करते हैं, कोई अगर हेवी व्हीकल्स आपके सामने से या आपके पीछे से अगर आ रहा है तो उसको सिर्फ स्पेशली आप लोगों को उसको खुद ही अगर ओवरटेक करने की स्पेस प्रोवाइड करते हैं तो वो इजीली आपको सेफ्टी के साथ में ओवरटेक कर सकता है, क्योंकि अगर हेवी व्हीकल जो होते हैं उसको हम लोगों ने मिनिमम स्पेसिंग भी अगर उसको प्रोवाइड होती है तो वो इजीली वो ओवरटेक करने की कोशिश करता है, और अगर हमने उसको स्पेस प्रोवाइड नहीं करते हैं तो वहाँ पर मैक्सिमम एक्सीडेंट के चांसेस भी क्रिएट हो सकते हैं. तो इस हिसाब से IRC वहाँ पे स्पेसिफाइड करता है से वैल्यू ऑफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर वेरियस डिजाइन स्पीड बिटवीन 100 एंड 40 to 100 किलोमीटर में. वहाँ पे IRC जो स्पेसिफाइड करता है से वैल्यू वहाँ पे हम लोग को मेंशन करता है स्पीड के अकॉर्डिंग. दिस वैल्यू हैव बीन सजेस्ट बेस्ड ऑन द ऑब्जर्व दैट 9 to 14 सेकेंड. वहाँ पे जो इसका सजेस्ट किया गया IRC के अकॉर्डिंग, दैट मीन एक व्हीकल 9 से लेकर 14 सेकंड में किसी भी एक व्हीकल्स को वहाँ से ओवरटेक कर सकता है. द ओवरटेकिंग टाइम मे बी द इंक्रीज बाय अबाउट 2/3 टू टेक इनटू अकाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर. और ये जो टाइम होता है ये वेरी भी कर सकता है जब वहाँ के नंबर ऑफ व्हीकल्स काउंट होते हैं कि आप कितने व्हीकल्स को ओवरटेक करते हो, उस हिसाब से ये इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो इंक्रीज भी हो सकता है. इसकी वैल्यू भी हमारे एक टेबल के अंदर शो करी गई है, उस टेबल के अकॉर्डिंग आप लोग चेकआउट कर सकते हो. ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस टू लेन हाईवे फॉर द वेरियस स्पीड. स्पीड आपकी 40 से 100 किलोमीटर दे रखी है. टाइम कंपोनेंट सेकंड के अंदर दे रखा. फॉर ओवरटेकिंग मोर एवर दैट मीन मिनिमम कितना टाइम लगता है. फॉर अपोजिट व्हीकल, सामने से कोई व्हीकल्स आता है तो उस कंडीशन में आपको ओवरटेकिंग में कितना टाइम लगता है और तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा. अगर 40 स्पीड है तो आपको एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करने और सामने वाली गाड़ी को ओवरटेक करने में टोटल 15 सेकंड का टाइम लगता है. सेफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस मीटर में के अंदर आप जब सेफ ओवरटेक करना चाहते हो अगर किसी गाड़ी को, तो आपकी वहाँ से जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो 165 मीटर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए. कि 165 में आप किसी भी गाड़ी को, एक तो आपके आगे वाली गाड़ी को ओवरटेक कर सकते हो, सामने से जो गाड़ी आती है उसको ईजिली ओवरटेक कर सकते हो. तो इस टेबल के अंदर ये शो करा गया कि आप पर्टिकुलर अपने सामने वाली गाड़ी को, सामने से जो गाड़ी आ रही है उसको ओवरटेक करने में कितना टाइम कंज्यूम लेते हो, कितना टाइम लेते हो, और कितनी डिस्टेंस में अगर आप उसको ओवरटेक करो तब आप सेफ्टी के साथ में दोनों गाड़ियों को इजीली ओवरटेक कर सकते हो. अगर किसी गाड़ी की स्पीड 65 है तो उस कंडीशन में आपको जो सामने से गाड़ी, आपके सामने जो गाड़ी चली उसको ओवरटेक करने में 11.5 का टाइम लगता है और सामने से जो गाड़ी आ रही है उसमें 7.5 सेकंड का टाइम लगता है. टोटल 19 सेकंड का टाइम लगेगा और यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी 340 मीटर की होनी चाहिए. अगर आपकी गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है तो वहाँ पे जो आपके आगे जो गाड़ी चल रही है उसको पास करने के लिए 14 सेकंड का टाइम और इसलिए ओवरटेक कर सकते हैं. सेकेंड होता है ओवरटेकिंग जोन होता है. इट इज़ द डिजायरेबल टू द कंस्ट्रक्शन हाईवे इन सच ए वे दैट द लेंथ ऑफ रोड विजिबल अहेड एट एवरी पॉइंट इज द सफिशियंट फॉर सेफ ओवरटेकिंग. इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब हाईवे कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो वहाँ पे जो रोड की लेंथ होती है वो विजिबल रहती है, सामने वाली का पार्ट का हर एक पॉइंट इजिली विजिबल रहता है जिससे कि वो सेफ ओवरटेक कर सकता है. इट दिस लेड ऑन पार्शियल एंड देयर मे बी द स्ट्रेचेस वेयर द सेफ ओवरटेकिंग डिस्टेंस कैन नॉट बी द प्रोवाइडेड. अगर किसी एरिया के अंदर अगर आप सेफ ओवरटेकिंग प्रोवाइड नहीं कर सकते तो वहाँ पे रोड सरफेस के ऊपर स्ट्रेचिंग प्रोवाइड की जाती है कि आप यहाँ पे किसी भी व्हीकल्स को ओवरटेक नहीं करें, क्योंकि वो एक डेंजरस एरिया हो सकता है या फिर बाद में वहाँ की जो रोड की विड्थ होती है वो भी कम हो सकती है. तो इस कंडीशन में उसको नोटिफाई करने के लिए स्ट्रेचेस प्रोवाइड कर सकते हैं. इन सच जोन वेयर द ओवरटेकिंग और पासिंग आर इज नॉट सेफ. और इस टाइप का जो जोन होता है वहाँ पे किसी को भी ओवरटेक करना या पास करना सेफ कंडीशन में नहीं होता है और पॉसिबल भी नहीं हो सकता. साइन बोर्ड शुड बी द इंस्टॉल. वहाँ उस एरिया के अंदर साइन बोर्ड भी हम लोग प्रेस कर सकते हैं या फिर वहाँ इंडिकेट कर सकते हैं नो पासिंग और नो ओवरटेकिंग प्रोवाइड. वहाँ पे किसी को आप पास नहीं कर सकते. इस टाइप से आप लोग टैग या पोस्टर हम लोग अप्लाई करते हैं ओवरटेकिंग प्रोवाइड, दैट मीन यहाँ पे आप किसी व्हीकल्स को ओवरटेक नहीं कर सकते हो, ये खतरनाक है. इस टाइप के हम लोग वहाँ पे पोस्टर मेंशन कर सकते हैं. बिफोर सच दे रिच दिस जोन स्टार, ऐसे जो एरिया होता है उसको स्टार के अंदर काउंट किया जाता है. बट द ओवरटेकिंग अपॉर्चुनिटी फॉर व्हीकल मूविंग एट डिजाइन स्पीड शुड बी गिवन एट द फ्रीक्वेंटली इंटरवल. दिस जोन विच आर मेड फॉर द ओवरटेकिंग इज कॉल्ड द ओवरटेकिंग जोन. और इस टाइप के जो ओवरटेकिंग वाले एरिया होते हैं उसको ओवरटेकिंग जोन में काउंट करते हैं. ये आपके सामने एक फिगर है जो कि शो इन द ओवरटेकिंग जोन
विद द स्पेसिफिकेशन फॉर द पोजिशन ऑफ द साइन इन द फोन। अगर आपके सामने इस टाइप की कोई रोड आती है, जैसे रोड पहले सक्रिय फिर बाद में आगे आके चले जाती है, तो इस एरिया को हम लोग वहाँ पे ओवरटेकिंग जोन में काउंट कर सकते हैं। जैसे ओएसडी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस D1+D2 फॉर वन वे ट्रैफिक में होती है, D1, D2, D3 फॉर टू वे ट्रैफिक में हो जाएगा। आपके पास वन वे चलेगा तो उस कंडीशन में आपको जो ओवरटेक करना हो वो आपको D1+D2 के अंदर करना है, और जैसे आपकी जो रोड की लेंथ टू वे हो जाती है तो वहाँ पर आप लोग उसको ईजिली D1+D2+D3 में हम लोग उसको ओवरटेक कर सकते हैं। SP1 साइड पोस्ट हो जाएगा, ओवरटेकिंग जोन अहेड है, आगे आपको पता चल जाएगा SP1 का, देट मीन्स आगे आपको ओवरटेकिंग जोन आने वाला है। SP2 साइन पोस्ट है, एंड ओवरटेकिंग जोन, देट मीन्स अब यहाँ से आप लोग ओवरटेक नहीं कर सकते हो, ओवरटेकिंग का जो जोन होता है वो आपका एंड हो चुका है। तो इस टाइप से हम लोग एक साइन बोर्ड के अकॉर्डिंग में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं ओवरटेकिंग जोन को। अब हम लोग एक क्वेश्चन के ऊपर वर्क करते हैं। द स्पीड ऑफ द ओवरटेकिंग व्हीकल्स आर 70 and 40 किलोमीटर, देट मीन दो व्हीकल्स आपके सामने हैं 70 किलोमीटर और 40 किलोमीटर का, वो एक दूसरे ओवरटेक कर रहा है। तो टू वे ट्रैफिक रोड है, वहाँ की जो रोड है वो टू वे ट्रैफिक है। इफ़ द एक्सेलरेशन ऑफ ओवरटेकिंग वैल्यू 0.99 है, जो एक स्मॉल ए की वैल्यू 0.99 मीटर पर सेकेंड इसको दे रखी है, तो आपको तीन चीज़ काउंट करना है, कैलकुलेट सेफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस करना है, मेंशन द मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन करना है, ड्रॉ ए नेट स्केच ऑफ द ओवरटेकिंग जोन एंड शो द पोजिशन ऑफ द साइन पोस्ट। तो ये तीन आपको फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट बात करते हैं ए ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस फॉर टू वे ट्रैफिक। टू वे ट्रैफिक का यहाँ पे आपको मेंशन करा गया, तो उसके लिए जो ओएसडी का फॉर्मूला होता है D1+D2 = +D3 होता है, ठीक है, इक्वल टू नहीं है, प्लस डी थ्री का यहाँ पे साइन मेंशन, D+D3 में आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करना है। ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखना है, ये D1+D2+D3 है, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखना है कि टू वे ट्रैफिक पार्ट है, तो इसलिए D1+D3 में काउंट होगा। ठीक है, तो ये चीज आपकी यहाँ पे हो जाएगी, आपकी जो ओएसडी का फॉर्मूला बन गया टू वे के लिए D1+D2+D3। सेकेंड है, आपके यहाँ पर कुछ एजम्पशन आप लोगों को काउंट करना है। व्हीकल्स ए के लिए स्पीड आपकी 70 किलोमीटर है, तो इसको स्मॉल वी में काउंट कर लोगे आप, 70 अपॉन में 3.6 से डिवाइड करते हैं तो ये मीटर पर सेकेंड में काउंट हो जाएगा। वी बी जो सेकेंड उसकी स्पीड है वो 40 है, उसको भी आप लोग मीटर पर सेकेंड में काउंट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन आपको दे रखा 9.99 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद कैपिटल D1 की जो वैल्यू आ जाएगी VB इंटू टी होता है, एडो पर आपको 2 सेकेंड फाइंड आउट करना जो रिएक्शन टाइम होता है, तो यहाँ पे D1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके 2.2 मीटर आ गई। D2 की वैल्यू होती है VB+T+2 सेकेंड होता है, तो S की वैल्यू हमारे पास में हम लोगों ने फाइंड करी थी फॉर्मूले में 0.7 VB+6, यहाँ पे VB की वैल्यू हमारे पास में 11.1, तो यहाँ से हम लोग एस की वैल्यू काउंट हो जाएगी, स्पेसिंग हो जाएगी 13.8 मीटर। कैपिटल टी की वैल्यू हम लोगों ने काउंट कर रखी थी फॉर्मूले में, फाइंड आउट किया था 4 × S/A, 4 × S की वैल्यू हमारे पास में जो स्पेसिंग आ गई 13.8 आ गई, ए की वैल्यू 0.99 थी, तो टी कितना काउंट हो गया 7.47 सेकेंड। सेकेंड D2 की वैल्यू हम लोग काउंट कर सकते हैं 11.1 × 7.47 + 2 × 13.8, यहाँ से D2 की वैल्यू काउंट हो जाएगी 110.5 मीटर। D3 की वैल्यू V × T से काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे इसकी जो D3 की वैल्यू आएगा 144 मीटर का। सेकेंड जो पार्ट था हमारा मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन,
मिनिमम लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन हम लोगों ने यहाँ से काउंट हम किसको कर सकते हैं, दैट मीन 3 × OHD की जो वैल्यू आई थी उसको आप लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर डिजायरेबल लेंथ ऑफ ओवरटेकिंग जोन, डिजायरेबल कितना आपको 5, इसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे OHD को। OHD की जो वैल्यू थी 278 थी, दैट मीन 1390 मीटर ये कन्वर्ट हो गया। ये सारी जो ओवरटेकिंग जो जोन की वैल्यू है ये आपके सामने हमने डिस्कशन किया था उसके अंदर आइडेंटिफाई किया हुआ है। देट में आप डायग्राम आपको इस टाइप से शो करना है कि कौन से एरिया में किस टाइप से एरिया यहाँ पे आइडेंटिफाई हुआ था, SP1 हुआ था, जो साइन पोस्ट था वो किस ओवरटेकिंग जोन अहेड है, जो ओवरटेकिंग आने वाला है वहाँ पे आपको साइन बोर्ड लगाना था, फिर बाद में एंड ऑफ ओवरटेकिंग में ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे डायग्राम शो कर रहे हैं। सेकेंड आपके सामने ये क्वेश्चन रहेगा, कैलकुलेट द सेफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस फॉर द डिजाइन स्पीड 96, एज्यूम ऑल अदर डाटा सुटेबिलिटी। यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे क्योंकि वन वे आपके पास में रोड की लेंथ है, तो यहाँ पे OHD हो जाएगा D1+D2 फॉर वन वे ट्रैफिक में। टू वे ट्रैफिक में D1+D2+D3 हम काउंट करेंगे। कैपिटल वी की वैल्यू यहाँ पे 96 किलोमीटर हो जाएगी। एज्यूम करोगे आप स्मॉल वी भी, तो वी माइनस 16 होता है तो 18 किलोमीटर आ गया। ये चीज़ें आप लोग को फाइंड आउट कर सकते हैं। D1 की वैल्यू जो फॉर्मूले में थी 0.28, VB+T = 0.28 × 80 × 2 ये हमने यहाँ के काउंट किया। D2 की वैल्यू काउंट कर सकते हैं, T की वैल्यू काउंट हो जाएगी, D2 की वैल्यू काउंट हो जाएगी, D3 की वैल्यू काउंट हो जाएगी। तो OHD वन वे ट्रैफिक के लिए 342 मीटर आ गया, OHD टू वे के लिए आ गया 646 मीटर। तो इस हिसाब से आप लोग दो टाइप के हम लोगों ने इसका क्वेश्चन सोल्व किया है। आगे भी अगर आपको कोई अगर इसमें डाउट होता, कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।